भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पदयात्रा हुई, सफलतम पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। सुनने में तो आया है कि दूसरा कोई रिपोर्ट और जारी करने वाला है और इस कारण से राहुल जी ने जो लोकसभा में 4 सवाल पूछे उसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा राज्यसभा दोनों को बाधित किया, चलने नहीं दिया। 2 सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है और अब नड्डा जी ये सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति की हैं, पिछड़ी के अब राजनीति करने लगे हैं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा? अडानी से आपके संबंध क्या है? विदेश यात्रा कितने बार गए हैं? सेल कंपनियों से पैसे कैसे रूट हुआ? इन जो 3-4 सवाल हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? और इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं लेकिन पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। और इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ठाकुर रमन सिंह, ये कहते हैं कि भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, किसान हूँ, तो मैं छोटा हो गया। भानु प्रताप के उपचुनाव में उन्होंने पता नहीं चूहा, बिल्ली, कुत्ता, किस किस विशेषण से विभूषित किया था मुझे। तो ये पिछड़े जाति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान जो है इस प्रकार से, यही भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं कि पिछड़े जातियों के बारे में इनके विचार क्या है, स्पष्ट हो जाता है। तो ये इधर उधर दाएं बाएं करने के बजाय सीधा सीधा बताए, अडानी के बारे में जो सवाल राहुल जी ने जो पूछा है उसका जवाब आना चाहिए। लगातार जो भारत के कानून मंत्री हैं रिजिजू जी, वो बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जजों को ये कह रहे हैं कि कोर्ट है वो विपक्ष की भूमिका ना निभाए। इसका मतलब ये है न्यायालय को दबाव धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दबाव है, और राहुल जी यही बात कर रहे हैं, लगातार जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दबाने की कोशिश, उसे नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसका विरोध राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ तो विनोद तिवारी जो किरायक मकान में रहते हैं उसके घर में ईडी भेज देते हैं। एक किसान हमारे गिरीश देवांगन, उसके यहाँ ईडी भेज दिए, विधायकों के यहाँ भेज दिए। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे राष्ट्रीय क्या वैश्विक रूप से इसका प्रभाव पड़ा है व्यापार जगत में, उद्योग जगत में, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, उसकी जांच कब कराएंगे प्रधानमंत्री जी? ये तो बताएं कि अडानी के मामले में सेबी से जांच कब कराएंगे, उसके खिलाफ कब ईडी भेजेंगे, वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो सारी जो कार्रवाई है, सारी तत्परता है, वो विपक्षी लोगों के लिए है और अपने जो साथी हैं उसके लिए नहीं है। इस देश में क्या 2 कानून है? आज 5 बजे खड़गे साहब के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से आज महत्वपूर्ण बैठक है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। मुझे लगता है आज के मीटिंग में निर्णय होगा। सोमवार को भी पूरे देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है आज के मीटिंग में तय हो जाएगा, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम सत्य के साथ हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर मोदी सरकार के विरुद्ध कोई भी, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, अन्य कोई भी कहता है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। हम सत्य के साथ खड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। माननीय खड़गे साहब, प्रदेश अध्यक्ष, CLP के नेताओं के साथ, पूरे देश के नेताओं के साथ जूम मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति क्या करना है उसके निर्णय लिया जाएगा। जरूर आंदोलन तेज होगा। मुझे लगता है सोमवार को पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने देखा होगा जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, जो कमल के फूल का जो ताबीज पहनते हैं, उसके सब
सात खून भी होते हैं वो भी माफ हो जाते हैं। आपने देखा होगा आप असम के मुख्यमंत्री और उसके ऊपर कितने आरोप थे, है ना, उनके वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं वो माफ हो जाते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा वर्तमान मुख्यमंत्री और जो वहाँ के नेता थे, विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी और सरकार गिराए तो उनके सब माफ हो गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पूरा देश देख रहा है। हमें लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी।